Good morning, dear children. I hope you all are fine and enjoying yourself. But along with enjoyment, you have to do your studies also. Have you ever heard about a talking fan? What is the meaning of a talking fan? Talking fan means when you switch on the fan, sometimes it starts making the noise. Tuck, 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 that sound comes. It's rotating and it's going with a speed and along with a loud sound. Yani awaaz karti hai. Abhi fan to ek non-living thing hai, lekin awaaz kaise karti hai? Jab hum log shuru karte hai, jab kuch problem hota hai, to uske andar se awaaz aati hai. To poet imagine karti hai. Poet kya imagine karte hai? Ke ye living thing ki tarah usko imagine karte hai. So let's start with the poem number 6, Mystery of the Talking Fan. यानी एक पहेली सॉल्व करनी है, एक मिस्ट्री सॉल्व करनी है. जैसे CID मिस्ट्री सॉल्व करते हैं, वैसे ये टॉकिंग फैन की सॉल्व करने वाले हैं. बाय मॉन रुबिन उन्होंने ये लिखी हुई है. अब ये बता रहे हैं पोएट कि अगर हम लोग तुम्हारा कोई रिलेटिव है फैन, जैसे हमारे पोएम में एक है पंखा है जो आवाज़ करता है, अगर आप भी चालू करते हो और आपके भी पंखे में आवाज़ आ रही है, तो ज़रूर से आपका भी पंखा मेरे पंखे का रिलेटिव है. डियर चिल्ड्रन, वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन, इलेक्ट्रिक इज चैटर. जैसे हम लोग पंखा चालू करते हैं, वो इलेक्ट्रिक साउंड आता है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. पंखा किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. तो उसकी आवाज़ भी कैसी होती है? टक टक. और जैसे वो घूमता है, जैसे हम लोग शुरू करते हैं तो पंखे की आवाज़ आती है कभी कभी. क्यों? क्योंकि वो पंखे में प्रॉब्लम होती है. तो ऐसे लगता था कि जैसे वो बहुत देर तक बातें कर रहा है वो पंखा. वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन, इसके बारे में बात कर रहे हैं. एक पंखा था जिसकी कंटिन्यूस साउंड आती थी. आई कुडंट क्वाइट हियर वॉट ही सेड, मेरे तो समझ में ही नहीं आता था कि वो क्या कहते थे. जैसे छोटे बच्चे बोलते तो हमारे समझ में कुछ भी नहीं आता है, वैसे ही ये पंखे का इलेक्ट्रिकल चैटर था, तो उससे हम लोग को कुछ भी नहीं समझ में आता था कि वो क्या बताना चाहता था. एंड आई होप इट डजेंट मैटर, मगर मुझे अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. क्यों? क्योंकि उस पंखा जो कंटिन्यूस बातें करता था, कंटिन्यूस चैटरिंग करता था, अब नहीं कर रहा. क्यों? क्योंकि बिकॉज वन डे समबडी ऑयल, किसी ने तेल लगाया अच्छे से. पर कहाँ तेल लगाया? इज लिटिल वर्लिंग मोटर, जो घूमती हुई राउंड राउंड उसकी जो मोटर थी उसके ऊपर कर रहे थे वो लोग. ऊपर राउंड राउंड मोटर के ऊपर वो लोगों ने ऑयल लगा दिया था. एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, यानी सारी सीक्रेट फिर चली गई कि वो पंखा क्यों आवाज़ कर रहा है, क्या बताना चाहता है. ही रैन एज स्टिल एज वाटर, फिर वो एकदम ही पानी की तरह बहने लग गया, एकदम जैसे शांत पानी होता है. अगर समंदर में बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती है तो खूब सारा आवाज़ करता है, लेकिन ये बिल्कुल ही शांत पानी की तरह था. और अब जो उसके मशीन में जो फॉल्ट था वो चला जाता था, शायद उसमें जंग जम गई थी या जकड़ गया था वो मूवमेंट, वो ऑयल के वजह से हो गई. इसके लिए वो फैन अब अटक अटक के नहीं चल रहा था. इस जो मॉड रुबिन है, इन्होंने बहुत ही सिंपल और बढ़िया पोएम बनाई है बच्चों को ईजीली अंडरस्टैंड करने के लिए. और ये छोटी सी पोएम है, हर एक बच्चे की समझ में आएगा. ये इट इज़ जस्ट कनेक्टेड विद आवर डे टू डे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. So we are related to it. Hope you understood this poem. Thank you, children.